हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं तो बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मुझे चोट लग गया है पेट में। बेबी देखिए, यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है जो कि आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, और इसी वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है, कहीं जा भी नहीं रहे थे। और आप लोगों से बता देने के बाद कि मेरा दुकान एक महीना हो गया बंद है। उधर बाबू हो गया था तो उसका तबीयत ख़राब था, वो एडमिट था हॉस्पिटल में, तो हम लोग वहाँ आ जा रहे थे। उसके बाद उसी को देखने के लिए हम लोग निकले थे घर से, रास्ते में गाड़ी वाला ला के ठोक दिया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा सर में चोट लग गया है, अभी ठीक नहीं हुआ है, और दोनों पैर में भी लगा है, हाथ में भी लगा है, और जो पेट में लगा है वो तो लगा ही है। वहाँ का जो हड्डी होता है ना वो दब गया है, तो वहाँ पर बेल्ट लगा हुआ है। डॉक्टर अभी दिखाएँ डॉक्टर को, फिर बोले हैं कि एक हफ्ता दवा खाइए फिर आके चेकअप कराइएगा। तो कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं अभी, यहाँ तक कि अपने हाथ से लेके पानी तक नहीं पी पा रहे हैं, ना ही कोई काम कर रहे हैं। सारा काम मम्मी जी कर रही हैं, हम तो बस हमको बस दिन भर बैठना रहता है। बट क्या बताएं, वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आज सोचे हैं आप लोगों को बता देते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देखिए, इतना ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे और हम छत पे आए हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि घर में अंधेरा है, लाइट नहीं है, दिख नहीं रहा था, वीडियो क्लीन नहीं आ रहा था, इसलिए छत पे आना पड़ा है। और ये जो बहनी दिख रही हैं, हेलो बोलिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? और ये आई हैं मामा की लड़की, इनको बुलाए हम पानी वगैरह देने के लिए। नेहूर की कुछ नहीं कर पाते हम, झुकना नहीं है, बेल्ट लगा हुआ है पेट में, तो डॉक्टर बोले हैं आप झुक के काम मत करिए, कुछ करिएगा मत झुक के, तो डॉक्टर बोले हैं झुक के कुछ करिएगा मत। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हाथ से पानी भी लेके नहीं पी पा रहे हैं। तो इसलिए यही है, नानी आई है देखने, पारी पारा सारे लोग आ रहे हैं देखने। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, तो आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को बताना था, बहुत ज़रूरी था बताना कि हम किस वजह से वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं। बस यही है कि आप लोग दुआ करिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और फिर आप लोगों के बीच में डेली वीडियो लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।